एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ काव्या। सो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी सेफ और हेल्दी होंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा सिलोशिया का प्लांट जो कि फ्लावरिंग पे आ चुका है और इन फ्लावर्स को मधुमक्खियाँ एंजॉय भी कर रही है। तो इसे मैंने ग्रो किया है सीड से और बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो देख सकते हो आप कितनी सारी मधुमक्खियाँ मेरे गार्डन में आती है। वैसे अगर आप इस तरह के प्लांट्स ग्रो करोगे तो आपके गार्डन में काफ़ी सारे पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होंगे। तो मेरे गार्डन में बटरफ्लाइज भी आती है, बर्ड्स भी काफ़ी सारी आती है। तो इस प्लांट को मैंने ग्रो किया है, देखिए, एक आटा बैग में, और ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो अगर आपने ग्रो नहीं किया है तो अभी भी आप ग्रो कर सकते हो। सो आज की वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल और ईजी टू ग्रो, ईजी टू केयर प्लांट के बारे में, जिसका नाम है पेंसिल कैक्टस। सो डिटेल वीडियो आज मैं उसके बारे में शेयर करूँगी, तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो या आप मेरे वीडियोज़ देखते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा पेंसिल कैक्टस का प्लांट जिसे मैं लेकर आई थी ओनली 30 रुपीज़ में। हमारे नर्सरीज पर इस तरह के प्लांट्स जल्दी मिलते नहीं हैं, तो लकीली मुझे ये प्लांट मिल चुका, वो भी ओनली 30 रुपीज़ में। तो मैंने इसे परचेज कर लिया। सो इस प्लांट के कई नाम है फ्रेंड्स, जैसे कि रबर हेज यूफोबिया, पायस्टिक कैक्टस, पेंसिल प्लांट, फिंगर ट्री, रेड पेंसिल ट्री या मिल्क बुश। तो कई नाम है इसके, बट हम इसे पेंसिल कैक्टस के नाम से जानते हैं। तो मुझे भी इसका नाम पेंसिल कैक्टस ही पता था। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल, इजी टू ग्रो, इजी टू केयर प्लांट है। और अगर आप ट्रैवलर हो, यानी आप ज़्यादातर वेकेशन पे जाते हो, या आपकी जॉब जो है ट्रांसफरेबल है, या आप थोड़े प्लांट को केयर करने में आपको मुश्किल होती है, तो इस प्लांट को ज़रूर अपने घर में आप ऐड कर सकते हो, अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। ये बहुत ही इजी टू ग्रो है, इसे कुछ ज़्यादा केयर भी ज़रूरत नहीं है, ना कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ना पानी। ये एक ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है, यानी अगर हम इसे पानी कम देते हैं तब भी ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरह हमारे गार्डन में चलता रहता है। पेंसिल कैक्टस यूफोबिशिया फैमिली को बिलोंग करता है, इसीलिए इसे यूफोबिया टीरुकेलाई भी कहते हैं। ये एक टाइप का सर्कुलेंट प्लांट है, इनके जो स्टेम्स है इसमें ये वाटर स्टोर करके रखता है। ये कैक्टस नहीं है फ्रेंड्स, हम इसे कैक्टस कहते हैं, बट ये एक टाइप का सर्कुलेंट प्लांट है। और जब हम इनके स्टेम्स को कट करते हैं तब इनमें से मिल्की वाइट लेटेक्स सैप निकलता है, जो कि पॉइजनस हो सकता है, और अगर गलती से हमारे स्किन पर लग जाए तो इरिटेशन भी हो सकता है। और अगर आपके घर में बच्चे या पेट्स हो तो उनसे इस प्लांट को दूर रखना होगा, क्योंकि काफ़ी इरिटेशन या कभी कभी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी हो सकती है, तो इस प्लांट को आप उनसे दूर रखिएगा। पेंसिल कैक्टस को जब आप पॉट में ग्रो करते हो तो आप इसकी एक डिज़ायर्ड हाइट मेंटेन करके रख सकते हो, बट अगर आप इसे ग्राउंड में ग्रो करते हो तो ये काफ़ी हाइट में जाता है। और जब ये हाइट में जाता है फ्रेंड्स, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है आपके गार्डन को। तो अगर आपके पास ग्राउंड हो तो आप इसे ग्राउंड में ही ग्रो कीजिएगा, और अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है तो आप किसी भी छोटे से छोटे पॉट में भी इसे ग्रो कर सकते हो। मिनिएचर गार्डन या ट्रे गार्डन अगर आप बनाते हो तो उसमें भी आप इस प्लांट का यूज़ कर सकते हो। विंटर्स में जहाँ पर ज़्यादा ठंडी पड़ती हो, वहाँ पर अगर हम इस प्लांट को ब्राइट सनलाइट यानी फुल सनलाइट में रख दे तो इनके कलर्स डिफरेंट हो जाते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि अभी आप ये प्लांट ग्रीन देख रहे हो, विंटर्स में जब आप इस प्लांट को सनलाइट के नीचे रखोगे तो इनके जो शेड्स है वो चेंज हो जाते हैं, पिंक, ऑरेंजिश या येलोइश कलर का हो जाता है, और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ये लगता ही नहीं कि ये पेंसिल कैक्टस का प्लांट है, उसका लुक ही चेंज होता है। अगर आप इस प्लांट को ग्रो करना चाहते हो बहुत ही हेल्दी वे में, तो आपको सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो हाई लाइट, इसको प्रॉपर लाइट देना है, कम पानी देना है, और इसको सैंडी सॉइल देना है, यानी वेल ड्रेन सॉइल देना है। अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखोगे तो ये प्लांट आपके गार्डन में सालों साल चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसकी सॉइल की। तो इसे वेल ड्रेन सॉइल पसंद है, और आप इसकी सॉइल के लिए कैक्टस या सर्कुलेंट की जो सॉइल आती है वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास वो नहीं था तो मैंने इसे दिया है सैंडी सॉइल। तो आप इसे दे सकते हो 60 और 40 का मिक्सचर, यानी 60% सैंड और 40% वर्मी कम्पोस्ट। इन 2 मिक्सचर का अगर आप यूज़ करके इसे ग्रो करते हो तो ये बहुत ही अच्छी ग्रो करता रहेगा। और इसे पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो जैसे ही हम पानी डालें तो तुरंत पानी ड्रेन आउट हो जाना चाहिए।
और अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स वाटरिंग की। तो इसे जैसे मैंने बताया पानी बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं है, ओवर वाटरिंग से इसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितना पानी आप कम दोगे उतना ही प्लांट ये अच्छा चलता रहेगा। तो पानी आप तभी दीजिएगा जब इसकी सॉइल अच्छे से ड्राई हो जाए। मॉइस्ट सॉइल में, अगर मॉइस्ट सॉइल या सॉगी सॉइल अगर आप इसे देते हो तो रूट रॉट या इसके स्टेम गलने के चांसेस आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स लोकेशन की। तो ये एक सन लविंग प्लांट है, यानी आप इसे फुल सनलाइट में इजीली ग्रो कर सकते हो। तो अगर आप आउटडोर इसे ग्रो कर रहे हो तो आप इसे फुल सनलाइट के नीचे रख सकते हो, बट अगर आप इंडोर ग्रो करते हो तो आप इसे एक ऐसी लोकेशन दीजिएगा जहाँ पर इसे ब्राइट सनलाइट मिलती रहे, यानी ब्राइट लाइट मिलती रहे, तब ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। और अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र की। तो ये एक ऐसा प्लांट है जिसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो साल में एक बार आप इसे फर्टिलाइज़ कर लीजिए स्प्रिंग में, बस इसके लिए इनफ है। ओवर फर्टिलाइज़र से इस प्लांट को प्रॉब्लम हो सकती है, ये मर सकता है, बट अगर आप इसे कम फर्टिलाइज़र दोगे तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। तो साल में जैसे ही स्प्रिंग आता है तब आप इसे फर्टिलाइज़ कर लीजिए, ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ पूरे साल करता रहेगा। और अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पेस्ट की। तो वैसे इस पर कोई पेस्ट देखने मिलेगा नहीं, बट रेगुलर इंटरवल पर आप नीम ऑयल स्प्रे कर लीजिएगा। नीम ऑयल स्प्रे करने से ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता रहता है। हो सकता है प्लांट के बीच में रखने से इस पर कोई पेस्ट लग जाए, तो नीम ऑयल स्प्रे कीजिए, काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स प्रोपोगेशन की। तो आप इसे इजीली स्टेम कटिंग्स के थ्रू प्रोपोगेट कर सकते हो। छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी बहुत ही इजीली ग्रो हो जाती है। तो आप ये जो प्लांट देख रहे हो ये मैंने स्टेम से ही प्रोपोगेट किया है। ये देखिए इनके छोटे छोटे क्यूट से लीव्स होते हैं, तो बहुत ही प्रीटी लगते हैं जब ये ग्रो होते हैं स्टेम्स पर। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है और आप देख सकते हो इस पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। लगभग एक महीना हो चुका है मुझे इसे प्रोपोगेट किए हुए और नए नए छोटे छोटे लीव्स ग्रो हो चुके हैं। तो आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग इस तरह की ले आइए और बस इसे लगा लीजिए सॉइल में और ये उसी बहुत ही जल्द प्रोपोगेट हो जाएगा। सो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो पेंसिल कैक्टस या पेंसिल प्लांट के बारे में। डिटेल इन्फो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो वीडियो कैसी लगी, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और कहीं भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।